दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। 3 दिन बाद यमुना नदी का रौद्र रूप अब शांत हो रहा है। रात 8 बजे से लगातार जल स्तर घटने लगा। प्रति घंटे में 2 सेंटीमीटर पानी कम हो गया। यमुना में डेंजर लेवल से भी 3 मीटर ज्यादा पानी भरा है। फिलहाल पानी का लेवल लगातार घटने से शासन से लेकर प्रशासन राहत की सांस ले रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा और बारिश नहीं हुई तो जल्द राहत मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। हालांकि यमुना के पानी से अभी भी दिल्ली की कई इलाकों की सड़कें लबालब भरी हुई है। बाढ़ की वजह से आज दिल्ली का लाल किला भी विजिटर्स के लिए बंद रखा गया है। दिल्ली में गुरुवार रात 10 बजे से शुक्रवार सुबह 6 बजे तक यानी बीते 8 घंटे से 17 सेंटीमीटर तक यमुना नदी का जलस्तर कम हुआ है। मौसम विभाग ने शुक्रवार सुबह अलर्ट जारी किया। IMD के मुताबिक अगले 2 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाके में हल्की बारिश हो सकती है। इससे पहले दिल्ली में गुरुवार रात 10 बजे यमुना का जलस्तर 208.63 मीटर था, वहीं शुक्रवार सुबह 6 बजे यह घटकर 208.86 मीटर दर्ज किया गया है।